हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप यू ऑल आर फाइन डूइंग गुड। सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट ए रीज व्हाट इज कमिंग फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ मे। क्या हो सकता है, क्या आ सकता है, क्या चल सकता है, लेट्स फाइंड आउट। एंड ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग है एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ योर गाइडेंस मैसेज या थीम ऑफ द मंथ। बेस चक्रा ब्यूटिफुल फॉर अ लॉट ऑफ यू एरीज। दिस इज अ मंथ और दिस इज अ टाइम ऑफ आई एम हियरिंग रेट्रोस्पेक्शन, गोइंग बैक टू हु यू आर। देर इज ऑल्सो आई एम हियरिंग देर इज सम एंसेस्ट्रल पैटर्न्स जिसे आप ब्रेक कर रहे हो, या ऑल्सो कुड बी लाइक एंसेस्टर्स या फैमिली ब्लड लाइन का कुछ कार्मा है, कुछ कार्मिक सिचुएशंस चल रहे हैं जिसे आप ब्रेक कर रहे हो इस टाइम पे लाइफ में। लाइक समथिंग जो आप आउट ऑफ द बॉक्स कर रहे हो, कुछ ऐसा जो आपके घर में कभी किसी ने किया नहीं है, कभी किसी ने बोला नहीं है, कभी किसी के साथ हुआ नहीं है, बट आप वो कर रहे हो, आप उसमें इंडल्ज हो रहे हो, या आपको अगर कुछ गलत लग रहा है मे बी आप आवाज़ उठा रहे हो, या आप कुछ ऐसा करने वाले हो लाइफ में जो आपके फैमिली में पहली बार है। लाइक पहली बार कोई डॉक्टर बना, पहली बार कोई अब्रॉड गया, पहली बार किसी ने किसी को हेल्प किया, या समथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, पहली बार इतना रिच कोई पैदा हुआ इस घर में, इट्स लाइक दैट। आपका कार्मा बहुत अलग है, लाइक यू वर बॉर्न टू डू समथिंग फॉर योर फैमिली, ये याद रखना। एंड ऑल्सो मैं कहूँगी दैट देर इज़ अ कार्मिक सिचुएशन जिससे आप गुजर रहे हो, बट डरने की बात नहीं है, बिकॉज आपका ये पर्पस, आपके लाइफ पर्पस का ये एक पार्ट था कि आप इस टाइम पे इस कार्मिक सिचुएशन से गुजरोगे। इस टाइम पे या तो आप बहुत सारा फैमिली इश्यूज फेस करोगे, या फिर बहुत सारे फैमिली इश्यूज़ को आप हील करोगे जो आपने फेस किया था पहले, मे बी बचपन में, मे बी बाद में। यस, ट्राई टू ग्राउंड योर सेल्फ, मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, योगा प्रैक्टिस करो, दैट विल हेल्प यू थ्रू दिस। मेडिटेशन डेफिनेटली करना है, सुकून देगा वो आपको इस सिचुएशन में। लेट्स योर करियर सिचुएशन, वी हैव कॉन्ट्रैक्ट नंबर 6। आई फील लाइक एरीज इस टाइम पे आपके लाइफ में डेस्टिनी, हम लोग डेस्टिनी बोलते हैं जब जो भी आपको पहला चीज़ समझ आता है, डेस्टिनी इज़ एट प्ले। कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसा हो रहा है इस वक्त जो लाइक प्री डेस्टिन था, जो ऑलरेडी आपके डेस्टिनी का एक हिस्सा है, ये होना ही था इसी तरीके से इसी वक्त पे, इट्स लाइक दैट। सो इस वक्त चाहे जितना भी आपको घबराहट हो रहा हो, रिमेंबर दैट एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर यू, आपके भले के लिए, आपके ग्रोथ के लिए, आपके लाइफ पर्पस तक आपको पहुंचाने के लिए। आपके करियर सिचुएशन में भी आई सी अ लॉट ऑफ डिसीशंस जो आप ले रहे हो, अ लॉट ऑफ बैलेंसिंग जो आप कर रहे हो, एंड करियर सिचुएशन में ये जो डिसीशंस है आपके लिए, ये थोड़े से डिफ़िकल्ट होने वाले हैं इस टाइम पे, क्योंकि आपका करियर आपको एक ऐसे जगह पे लेके जाएगा जो बहुत ही अलग है आपके आपने आसपास जो भी देखा है उससे। मेरा मतलब ये है कि मान लो आपके घर में सारे लोग बिजनेसमैन थे, एग्जांपल देती हूँ, कुछ भी हो सकता है। मान लो आपके घर में सारे लोग बिजनेसमैन थे, आपने भी सोचा था कि मुझे बिजनेस करना है, या आपको लगा था, बट देन सडनली आप एक पैशन, आपको पैशन महसूस होता है कि कुछ और काम के लिए, मे बी लेट्स से आप एक कुछ और बन गए, लेट्स से आप एक शेफ बन गए, आप एक डांसर बन गए, आप एक इंजीनियर बन गए, एंड देन आप उस पैशन को फॉलो करते करते एक ऐसी जगह पे पहुंचते हो जहाँ पे आप एक तो इतना स्टेबल होते हो, या आप अब्रॉड जाते हो, या आप कुछ ऐसा करते हो
जो आपके फैमिली से बहुत अलग है, लाइक जो आपके फैमिली में कभी किसी ने नहीं किया था. पर इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो या आपके फैमिली के लोग गलत हैं. इट्स जस्ट दैट आपका रास्ता अलग है, गलत नहीं है, अलग है. एंड इसमें बहुत बहुत छोटा सा फ़र्क है. ज़्यादा लोग समझते नहीं हैं कि गलत क्या है और थोड़ा सा अलग क्या है. एंड दैट इज़ वॉट यू आर डूइंग. सो मैं यही कहूँगी, डिसीशन आपका होगा. इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको अलग करना ही है. डिसीशन आपका ही है, वो आपका फ्री विल है. लेकिन यूनिवर्स आपको एक मौका दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं टू डू समथिंग बिगर. कुछ तो है आप में जो आपको एक अलग नज़रिया दिया है लाइफ में, आपके फैमिली से अलग, आपके फ्रेंड्स ग्रुप से अलग, समथिंग डिफरेंट. अगर आप दूसरों से डिफरेंट फील करते हो, वो इस वजह से क्योंकि आपका जो कॉलिंग है, इनर कॉलिंग जिसे हम लोग कहते हैं, वो डिफरेंट है. सी, अगर मैं आपके करियर में आ जाऊँ यहाँ पे, आई फील लाइक इस वक्त सिर्फ डिसीशंस ही चलेंगे. मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं राइट जाऊँ, मैं लेफ्ट जाऊँ, मैं ये काम को ज़्यादा प्रेफरेंस दूँ, उस काम को कम प्रेफरेंस दूँ, मैं ये वाला कोर्स पहले करूँ या मैं वो वाला कोर्स पहले करूँ, मैं बिजनेस में क्या इस चीज़ को पहले देखूँ, उस चीज़ को. सो इट्स लाइक अ डुअलिटी, अ कंटिन्यूस डुअलिटी जो ये 15 दिन आप महसूस करोगे. एक डिसीशन जहाँ पे आप स्टक रह सकते हो. ऑल्सो इट कुड बी सम टाइप ऑफ अ कोर्ट केस, लीगल सिचुएशन जहाँ पे आप फंसे हो या फंसे रह सकते हो एटलीस्ट इस टाइम के लिए. एंड आई ऑल्सो फील लाइक ऑल्सो देर विल बी अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग इन, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो आप एंटर करने वाले हो. डॉक्यूमेंटेशन, साइनिंग, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, पार्टनरशिप्स, कुछ ना कुछ हो सकता है. ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू देर इज़ अ न्यू जॉब ऑफर कमिंग, न्यू बिजनेस ऑफर कमिंग. सो देर इज़ ऑल्सो न्यू न्यूनेस टू द सिचुएशन. लाइक ऐसा नहीं है कि आप स्टक हो. आई ऑल्सो सी आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपॉर्चुनिटीज़ को. सो दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट दैट आप एक तो नया अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट भी कर रहे हो, साथ साथ आपको चॉइसेस भी मिल रहा है टू डिसाइड, टू चूज, टू सी विच वन, वट एवर यू वॉन्ट टू गो फॉर. सो ओवरऑल ज़्यादा ओवर थिंक मत करना करियर में, ज़्यादा अपने आप को पागल मत बना लेना, एनजाइटी मत ले लेना. थोड़ा सा धीरे से रिलैक्स्ड तरीके से देखो चीज़ों को, हल्के में देखो. एंड आपको डेफिनेटली सॉल्यूशन भी मिलेगा, डेफिनेटली आप डिसीजन भी ले पाओगे. सब कुछ अपनी जगह पे सही सही तरीके से ही होगा. डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज डेस्टिनी भी यहाँ पे काम कर रहा है आपके बिहाफ में या आपके साथ. सो स्ट्रेस मत लो, समय दो इस सिचुएशन को, अपने आप को समय दो करियर में. अगर सब कुछ इसी वक्त नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं. अगर थोड़ा सा आपको लग रहा है डीले हो रहे हैं, ठीक है, फिर भी ठीक है. बट जितना एक्शन लेना ज़रूरी है उतना लेते रहो, अपने ऊपर भरोसा रखो, बैलेंस मेंटेन करो. लेट्स सी योर लव सिचुएशन. व्हाट इज़ योर एनर्जी? द एस ऑफ वंड्स. योर पर्सन्स एनर्जी इज़ द नाइट ऑफ सोर्ड्स. इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए एरीज, लाइक दिस इज़ अ न्यू लव सिचुएशन जो आपने बुलाया है अपने लाइफ में. सो अगर आप सिंगल हो या अगर आप लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आई सी लाइक कोई आपके लाइफ में आ रहे हैं. एंड ये पर्सन बहुत जल्दी आ रहा, आई एम हियरिंग 7 days. ये पर्सन बहुत जल्दी आ रहे हैं, लाइक आई डोंट नो, लाइक इट फील्स लाइक ये पर्सन आपके पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं, आपके करंट पर्सन या कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, बट आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है. इट फील्स लाइक आई फील लाइक इस लाइक सडनली यहाँ पे आपको कुछ रियलाइजेशन हुआ है दैट आई रियली वॉन्ट दिस पर्सन बैक. या अगर ये पास्ट पर्सन है तो सडनली आपको एक फिर से अट्रैक्शन आपके मन में जगा है इस पर्सन के लिए. सडनली एक स्पार्क, सडनली एक रियलाइजेशन. अब यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है कि आपके मन में वो स्पार्क जगा है, आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है, आपने इस पर्सन के लिए अट्रैक्शन फील किया है, एंड दैट इज़ द रीज़न आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है. या आपको वो सिक्स सेंस मिला है कि ये पर्सन वापस आएंगे, बिकॉज आपको यू नो वो फीलिंग फिर से आपको आया है.
या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आए हैं खुद से अपने आपने मैनिफेस्ट नहीं किया, ये पर्सन खुद से ही आए हैं, न्यू पर्सन हो या ओल्ड पुराने पर्सन हो, एंड दैट इज़ द रीज़न. इस पर्सन को देख के, इनके एक्शंस को देख के, इनका वापस आना एंड एवरी थिंग देख के आपको एक अट्रैक्शन महसूस हुआ है इस पर्सन के ऊपर. आपको लगा है कि आपको फिर से वो पुराने दिन याद आ गए, या आपको फिर से एक एक पुल, एक स्पार्क महसूस हुआ है इनके साथ. सो वट एवर विच वे इट गोज़, इट डजेंट मैटर, क्योंकि आई फील लाइक एरीज इन योर लव सिचुएशन कुछ स्टार्ट होने वाला है, एंड ये जो भी स्टार्ट होगा इट विल बी लाइक वेरी फायरी एंड वेरी एनर्जेटिक, अट्रैक्शन से भरा हुआ, एक स्पार्क, एक अच्छा मोमेंट, एक फन एनर्जी, इट विल बी लाइक दैट. ठीक है, इसमें फ़िलहाल मैं कहूँगी इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है. इस मोमेंट को एन्जॉय करो, इस मोमेंट को जियो, इस मोमेंट को फील करो, एंड जो भी आप ऑथेंटिकली फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, उस चीज़ को बढ़ावा दो. कोई भी प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, या अपने आप को किसी भी चीज़ में फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट reading.